विचार करें तो दिन में हमारा अधिकांशतः समय केवल व्यर्थ ही जाता है। केवल हम अपनी बस जो भगवान ने शरीर दिया इस अमूल्य निधि को नष्ट कर रहे हैं। और देखो वेदों में एक मंत्र आया है, तांस्ते प्रत्यावि गच्छन्ति ये के चात्मनोजनाः। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, इसको पाकर भी जिसने भगवत प्राप्ति का प्रयास न किया वो आत्महत्यारा है। आत्महनोजनाः, भगवान ने हम लोगों को जीवन दिया। मीरा जी ने तो कहा, बोले नहीं ऐसो जन्म बार बार, ना जाने कहा पुण्य प्रकटे मानुषा अवतार। हम लोग तो देखो पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, पर भगवान जब जन्म लेते हैं तो उसको जन्म लेना नहीं कहते, अवतार लेना कहते हैं। तो वैसे श्री मीरा जी ने कहा, बोले मनुष्य शरीर जिसको मिल गई ये मनुष्य योनि नहीं भैया, मानुषा अवतार, ये तो अवतार मिला है। और इसे पाकर भी यदि हम लोगों ने नष्ट कर दिया, व्यर्थ इसे व्यतीत कर दिया, तो स्मरण में रख लो, हमेशा ध्यान रख लो, फिर आगे ये जीवन दोबारा मिलना भी नहीं है। क्योंकि भगवान ने दिया अमूल्य निधि हमें और हमने उस निधि को फेंक दिया, बर्बाद कर दिया, तो फिर थोड़ी दोबारा भगवान हमें देंगे। कोई बाप अपने बेटे को 500 रुपये दे और बेटा 500 रुपये का नोट लेके फाड़ के नाली में फेंक दे, तो क्या बाप दोबारा बेटे को पैसा देगा कभी? और फिर वो तो एक सामान्य से तुच्छ पैसे की बात रही, ये शरीर तो फिर इसकी तो अमूल्य, इसको निधि कहा, अवतार कहा, फिर थोड़ी भगवान हमें दोबारा शरीर देंगे। तो चाहे जीवन मुक्त हो, मुमुक्ष हो, विषयी हो, सबके लिए कृष्ण चरित्र सुखद है, कल्याण करने वाला है। परीक्षित जी महाराज ने कहा, प्रभु आपने कृष्ण चरित्र मुझे एक पंक्ति में सुना दिया, ऐसा ना करें, आप मुझे विस्तार से कृष्ण कथा सुनाएं। क्यों क्यों इतनी इच्छा कर रहे हो कृष्ण कथा सुनने की? बोले भगवान, उन भगवान से मेरा बड़ा पुराना खानदानी संबंध है। क्या संबंध है? बोले केवल मेरा नहीं, हमारे जो बाबा थे पांडव लोग, उन्होंने भी कृष्ण चरण को ही पकड़ा। उस चरण शरणागति का ही तो परिणाम था कि कौरवों की सेना समुद्र के समान विशाल थी, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, ये सात सात अमर एकदम तिमिंगल के समान थे। और उस समुद्र जैसी सेना को भी हमारे बाबा पांडव लोग जो थे वो उस सेना को ऐसे पार कर गए जैसे कोई बछड़े के खुर के गड्ढे को पार करना। जब छोटे छोटे बछड़े जब चलते हैं तो उनके खुर से पृथ्वी पर चिन्ह बन जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उनको तो कोई एक छोटे से छोटा बालक भी आराम से पार कर सकता है। तो वो विशाल समुद्र जैसी सेना वत्स खुर की तरह हो गई छोटी सी, और आसानी से पार कर गए पांडव से। क्यों? क्योंकि भगवत शरणागति उन्होंने ली, भगवान की शरण पकड़ी। तो मानो सुखदेव जी ने कहा, बोले परीक्षित जी, वो तो तुम्हारे बाबा आदि का संबंध था, तुम्हारा क्या संबंध है श्री कृष्ण से? परीक्षित जी बोले, अरे मेरे तो वो सहोदर भाई हैं। सहोदर भाई यानी सगे भाई। अरे सगे भाई कैसे हो जाएंगे? तुम पुरुवंशी हो, यदुवंशी कैसे सगे भाई हो जाएंगे? बोले भैया, जब मैं माँ के गर्भ में था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो जिस गर्भ में मैं था उसी गर्भ में भगवान भी आए मुझे बचाने के लिए, और उसी गर्भ से मेरा जन्म हुआ, और फिर भगवान भी उस गर्भ से बाहर आए। तो अब आप ही बताओ, वो और हम सहोदर भाई हैं कि नहीं? भाई भाई हैं। इसलिए इच्छा हो रही है, विशेष इच्छा कृष्ण चरित्र सुनने की, आप कृपा करें कृष्ण चरित्र सुनाए। देवकी वसुदेव से उन्होंने क्यों अवतार लिया? फिर सुनते हैं नंद वसु यशोदा के यहाँ भी अवतार। बलदाऊ जी महाराज, जिनको माता देवकी का भी पुत्र कहा, रोहिणी जी का भी पुत्र कहा, एक शरीर की दो दो माताएं कैसे हो जाएंगी? उन्होंने ब्रज में कौन कौन सी लीलाएं की, मथुरा में क्या लीला की, द्वारिका में कौन सी लीला संपादित की? परीक्षित जी महाराज ने बड़ी चतुराई की। परीक्षित जी बोले, देखो सुखदेव जी महाराज, मैंने जो लीलाएं पूछी हैं उनको तो सुनाना ही,
और जो लीला मैं नहीं पूछ पाया हूँ भगवान की, जिन लीलाओं को मैंने प्रश्न नहीं किया है, उनको भी आप सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज सोचने लगे, परीक्षित जी के हृदय में भगवत चरणों के प्रति दिव्य अनुराग है, कृष्ण चरणानुरागी हैं राजर्षि परीक्षित। सुखदेव जी महाराज ने मानो संकेत किया, अरे परीक्षित जी आज कई दिन हो गए, अब थोड़ा उठकर अपना जो भी दैनिक कर्म करना हो वो कर लो, प्यास वास लगी हो तो जलपान कर लो। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी को कहा, बोले प्रभु नैषाति दुस्सह क्षण माम त्यक्तोदम अपि बाधते और पिबंतम त्वन मुखाम भोजम अच्युतम हरि कीर्तनात्। भगवान आप कह रहे हैं मैं जलपान कर लूं, यद्यपि भूख और प्यास ये जो धर्म है इनको सहना बहुत कठिन है, भूख प्यास सहन नहीं होती, बहुत ज्यादा भूख लगे बहुत ज्यादा प्यास लगे तो उस समय कैसी स्थिति होती है, सब लोग इससे परिचित हैं। इसलिए तो परीक्षित जी ने कहा नैषाति दुस्सह क्षण माम, अति दुस्सह है भूख प्यास को सहना, लेकिन फिर भी आज मुझे इतने दिन हो गए और मुझे जल की और अन्न की तो याद भी नहीं आई, क्यों? बोले पिबंतम त्वन मुखाम भोजम, मैं आपके मुख से निरंतर पी तो रहा हूं, क्या पी रहे हो? अच्युतम हरि कीर्तनात्, अरे मैं कृष्ण कथामृत पी रहा हूं आपके मुंह से, जो आदमी अमृत पी रहा है उसको कहीं पानी की याद आएगी? भगवान आप मुझे यही कथामृत पान कराएं। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के इस निष्ठा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी आपने तो ऐसा प्रश्न किया है, अपने आप को पवित्र किया, हमें भी पवित्र किया और बाकी और भी जितने सुनने वाले हैं सबको पवित्र कर दिया। देखो भगवत चर्चा से तीन लोग पवित्र होते हैं, स्वयं सुखदेव जी कह रहे हैं वक्तारम प्रचरकम श्रोत्रन, एक तो पूछने वाला पवित्र होता है, जब हम पूछेंगे किसी से किसी महापुरुष से जाके कृष्ण संबंधी प्रश्न तो उस पूछने से हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी, हम पवित्र हो जाएंगे, फिर जो आदमी उसका उत्तर देगा जो वक्ता कथा कहेगा वो पवित्र हो जाएगा और फिर जितने सुनने वाले श्रोता होंगे वो भी पवित्र हो जाएंगे। तो प्रश्नकर्ता भी पवित्र होता है, वक्ता भी पवित्र होता है और श्रोता भी पवित्र होता है कृष्ण कथा से। आपके हृदय में निश्चित कृष्ण अनुराग है तभी तो आप कृष्ण संबंधी प्रश्न कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करने लगे।